अब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत से वादे किए थे। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तो डिमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, इसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे नहीं करेंगे, भाई आप शेटकर साहब को पार्टी में लिए, उनकी जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा, उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, वो कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम, देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। सर, बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट, बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैस को उपली को बुलाया यहाँ पर। हाँ, तो मई जाके राहुल गांधी को हराया। सुनियो आप, राहुल गांधी को मैं हराया, कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए कांग्रेस पार्टी को, कितने एमपी आए? एक ही आए ना, हमारे डीके के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए, समझे ना। उनका कितने 49 जीते, वो मेरी वजह से आए, समझे आप। उनके एमएलएज भाग गए बीजेपी में, मेरे से खाना खा के घर में मेरे जाओ बोला उनको। ये बकवास है, पूरे महाराज कर्नाटका में हम दो सीट लड़ रहे, एक पे सपोर्ट कर रहे, आप लड़ो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? तो वो उर्दू में एक सेइंग है, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते, तो उनका मामला ऐसा है। सर, ओवैस मजलिस ने बाकी राज्यों में काफी सारे कैंडिडेट्स को फाइल किया, लेकिन कर्नाटक में सिर्फ 3 को। प्रॉब्लम ये है कि गुजरात में हम खाली 11 कैंडिडेट खड़ा करे, 12 एक कांग्रेस पार्टी वाले उसको खरीद लिए थे, बापू नगर बोल के अहमदाबाद का है, वहां भी हार गए। 11 हम लड़े, उसके बावजूद भी कांग्रेस का कितना नंबर आया भाई, कितने में एमएलए सीट्स है गुजरात में? तो ये आर्गुमेंट रॉन्ग है। हम अपनी पार्टी के स्ट्रेटजी के लिहाज से हम फैसला लेते, हम किसी को जिताने हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, हम अपने आप को जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते। तो ये आर्गुमेंट ही गलत है उनका ये बोलने। हुबली पे लास्ट 6 महीने पे दंगा हुआ इधर, उसमें आपका कॉर्पोरेटर्स भी सभी लोग अरेस्ट हो गए थे, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स बड़े सो पार्टी है एमआईएम बोल के कांग्रेस बिंबित कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि जितने लोग जेल में है वो एंटी सोशल है, वही बोले ना उन्हीं लोग। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों से वोट नहीं मांगना फिर आप, अगर जो जेल में है 90% उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन लोगों का, उनको अगर आप एंटी सोशल बोल रहे हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, हुबली इसमें आप खत्म भी नहीं रखना, आपको उनको थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि 90% लोग इनोसेंट है, 1 साल से जेल में है, UAPA उनके ऊपर लगा दिया गया है, पूरा वकील का इंतजाम सबसे पहले मेरे तरफ से हुआ। तो अगर ऐसा बोल रहे हो तो इससे इनका असली चेहरा सामने आ रहा हुबली की आवाम के सामने, उन्हें देख लेना। सर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी ज़्यादा ये दे रही है, और वो करने की बात भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है, इसके बारे में आपको बता, क्योंकि उसको आप देखिए उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। देखिए, आप रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाते, अब वो क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसा रहता ताल्लुक उसका? मैं क्या गोश्त खाना नहीं खाना तुम कानून बनाते, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या लेने देना उसको? आप आपकी सरकार गोवा में है, बीजेपी की गवर्नमेंट गोवा में है, तो गोवा में वहाँ पर एक रूल है, लॉ है कि अगर कोई हिंदू कपल को 25 साल और 30 साल के दरमियान में उनको बेटा नहीं हुआ, सन नहीं हुआ, तो दे कैन दूसरी शादी कर सकते, सेकंड मैरिज, वहाँ चेंज करो ना तुम लॉ को, खाली बस
यूनिफॉर्म सिविल कही, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू कल्चर का राइट है, अनफेटर्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे को मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है। अब एनआरसी लेके आते बोल रहे, एनआरसी कहां से लेके आते? जो आसाम में एनआरसी हुआ तुम उसको नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड? तो ये बीजेपी का ऐसे ही रहता सर। सर रिजर्वेशन के बारे में, 4% रिजर्वेशन ये कर दिया, हटा दिया। तो सुनिए, रिजर्वेशन के बारे में जो डिसीशन बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली आपको इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर रिजर्वेशन नहीं निकाल सकते, नंबर वन। और वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप पब्लिक को ला के दो इंटरिम रिपोर्ट। तो नंबर वन, मुस्लिम रिजर्वेशन को निकालना वो इलीगल है, इंटरिम रिपोर्ट पर रिजर्वेशन निकालना वो भी इलीगल है। और वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक को नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती भाई आप? और चौथी बात यह है कि वो रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के ऊपर मिल रहा है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके ऊपर मिल रहा है। उसका एक रिपोर्ट है, जब देवेगौड़ा साहब सीएम थे वो एक रिपोर्ट था, पूरा एम्पिरिकल एविडेंस है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, वो रॉन्ग डिसीजन है उनका। सर आज के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को भी निषेध करने बात किया गया। मैं बोला ना, मैं बोल दिया। सर बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने नाले टीपू सुल्तान के बारे में कुछ अपशब्द बोलते हुए, जहां पर भी उनका फोटो लगे हुए हैं उनको हटाने की बात उन्होंने, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ। क्या चैलेंज कर रहा हूँ? जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, तो उसकी पहली बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बुक जो थी उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे और उसमें फोटोज है, राम सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीरा की है, झांसी रानी झांसी की फोटो है, मुगल किंग अकबर की फोटो है और टीपू सुल्तान की फोटो है। उसमें आप निकाल सकते हो उसमें से। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मैं जाके देख के आया हूं, पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में टीपू की फोटो है। अभी तो खाली निकालना। अरे तुम कर्नाटका में नौकरी नहीं दिए, कर्नाटका में किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दिए, कर्नाटका में महंगाई कम नहीं करे, क्यों ये बाजा खाली, ये बाजा? सर हुबली छोड़कर और आपकी पार्टी की बेस बढ़ाने की किस तरह का कोशिश आपके ओर से? नहीं, हमारी पार्टी का यूनिट है, पार्टी को स्ट्रेंथन करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और वो कंटिन्यू होते रहेगा। सर आप कितने सीट ये कंटेस्ट करें, कितने जीते? नहीं, हम देखिए दो कर्नाटक में दो सीट लड़ रहे हैं और जमकंडी में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ कैंडिडेट। सर उत्साहित करने की वजह क्या है सर? पार्टी का फैसला है। जो सिर्फ लिंगायत को लेके चल रही है, अभी जेडीएस पंचरत्न योजना लेके चल रहा है, कांग्रेस गारंटी कार्ड बांट रही है, जेडीएस पंचरत्न योजना लेके चल रहा है, कांग्रेस गारंटी कार्ड बांट रही है, तो आपका एजेंडा क्या है सर? मेजरली इन तरह आप भी कुछ लोगों का ऐसा देखिए, एक बात सुनिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बोले थे, भाइयों बहनों हर साल 1 करोड़ नौकरी, बेचारा पूरा गरीब खुश हो गया। अब क्या बोल रहे हैं उन्हों? मैं कितने नौकरी तो बोल रहे 10 लाख, माने अब बोल रहे 2020, दो साल डेढ़ साल पहले बोल रहे। ये पब्लिक जो है ना, ये जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो आते, हमको एक लॉ बनाना चाहिए कि जो भी पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती उसको इम्प्लीमेंट करना, नहीं इम्प्लीमेंट करे तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना। ये लिख के देख के बोलना अच्छा है, वो क्या होता है, एक हमारे बड़ों से हम एक किस्सा सुने। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में गाने वाला आया, बहुत अच्छा गाया उन्हें, बोला तेरे को मैं 1 घर दे दूँ, और अच्छा गाया तो उन्हें बोला मैं तेरे को चावल दे देता हूँ, और अच्छा गाया तो बोला मैं तेरे को वो बैंक अकाउंट दे देता हूँ।
वो सब गाना हो गया। वो बेचारा गाने वाला बादशाह को बोला वो कहाँ है वो दो बोल, उन्होंने बादशाह क्या बोला तू गा के खुश करा मैं तेरे को बोल के खुश कर दिया, समझे ना। तो ये ऐसी जोर आना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रॉमिस करते उसको इम्प्लीमेंट कर देते पूरे पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली बीजेपी एंड कांग्रेस तो गरीबों का उतना फायदा होता ना। आज आपको मालूम इंडिया में 87% लोगों की आमदनी मंथली इनकम लेस देन 27,000। आज इस कंट्री में 5% लोगों के पास 60% भारत की दौलत है, ये क्या है फिर, ये कैसे हो रहा है। सर नॉर्मली मुस्लिम स्टैंड्स विद कांग्रेस पार्टी, वी हैव सीन इन पास्ट एंड इवन नाउ आल्सो मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग कांग्रेस ब्लाइंडली। दस पर्सन लाइक शेट्टर हु वाज विद जनसंघ बैकग्राउंड हैज जॉइंड कांग्रेस एंड नाउ इवन दो द डेमोलिशन ऑफ दरगाह एंड इवन द ईदगाह इशू मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग, व्हाट मैसेज यू आर गोइंग टू गिव टू मुस्लिम्स ऑफ My message to everyone, why only Muslims, limited to Muslims? A message to everyone. A person like Mr. Shetkar, who is from RSS, who is a founding member of BJP here. He was the one who brought BJP to greater heights in Karnataka. Whole life you have called him a person from RSS and a communal. Now suddenly he joins Congress party. And Congress party gives him a certificate of secularism. तो कांग्रेस पार्टी क्या नोटरी की दुकान है क्या, उन लगा के चिपका दिए तो सेक्युलर नहीं रहे तो कम्युनल में, वो तो नहीं हो सकता ना। सर हमें जातिवाद में कब तक बांटा जाएगा? हाँ जातिवाद में जब तक आप लोग उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, जब तक नहीं जब तक जनता बर्दाश्त करेंगी, जब तक जनता बर्दाश्त करेंगी। हम तो मैसेज देते रहते हैं जब तक जनता बर्दाश्त करे चलता रहे। नो 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 ठीक है नो ठीक ठाक।